हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आज इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन के पार्ट्स और उनके यूज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में बताना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन के जो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट्स के रूप में हम बताना चाहेंगे जैसे ये नीडिल वार है, ये नीडिल है और ये नीडिल का यूज मतलब धागे को नीचे पहुँचाने का काम करता है। ये नीडिल बार है, नीडिल बार में फिक्स किया जाता है। ये प्रेशर फुट है, प्रेशर फुट से प्रेशर जो फैब्रिक का जो प्रेशर है वो मेंटेन होता है और प्रेशर फुट प्रेशर बार में मतलब अटैच होता है। प्रेशर बार को रेगुलेट करने के लिए ये प्रेशर बार होता है। प्रेशर बार रेगुलेट GSM है या फैब्रिक का जितना वेट इसमें है, GSM जितना फैब्रिक का होता है उसी आधार पर इसका मतलब प्रेशर रखा जाता है। इसमें कौन सी सीम बननी है और कौन सी इसके अंदर स्टिच होनी है उस हिसाब से मतलब रेगुलेटर का मतलब फिक्स प्रेशर बार का प्रेशर बार का जो रेगुलेट कंट्रोल करते हैं उस हिसाब से फिक्स करते हैं। अगला इसके अंदर जो पार्ट आता है वो ये आता है टेंशन पोस्ट को हम ये धागे का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके इसको रखने के लिए टेंशन पोस्ट का यूज होता है। इसके अंदर एक टेंशन स्प्रिंग है और टेंशन स्प्रिंग और नीचे मतलब नीडल को या बॉबिन केस को ये धागा सप्लाई करेगा। और दोस्तों ये जैसे ये थ्रेड स्टैंड हो गया, इसको कॉटन स्टैंड भी बोल सकते हैं और इसको स्पूल पिन बोलेंगे जिसमें ट्यूब जो इसके अंदर फिक्स किया जाता है। अब दोस्तों अगला जो पार्ट है वो इसके अंदर कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल का जो है इसमें स्टिच फिक्स की जाती है, जैसे बैक टैक के लिए स्टिच फिक्स की जाती है या फिर जिग जैग स्टिच बनानी है तो उसके लिए भी आता है। जैसे दोस्तों हम जैसे अब स्टिच कर रहे हैं तो अब जैसे ये फ्रंट में चल रही है लेकिन इसको अगर हम मतलब प्रेशर करेंगे तो बैक में जाएगी, बैक टेक का काम आएगा इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर जो पार्ट है वो ये है हैंड लिफ्टर का काम है, प्रेशर फुट को ऊपर उठाने का काम आता है। इसको ऐसे उठा सकते हैं प्रेशर फुट को और यही सेम जो फंक्शन है वो नी लिफ्टर का भी होता है जो, और इससे भी ये प्रेशर फुट को ही उठाया जाता है ऐसा, ये सेम पर्पज़ है। अगला जो इसके अंदर जो पार्ट है वो इसके अंदर हेड रेस्ट है। हेड को अगर रेस्ट करना है या फिर ऐसा खड़ा करना है तो इसको हेड रेस्ट जो इसको बोलते हैं, इसको मतलब ऐसा रेस्ट करने के लिए काम आता है। और दोस्तों अंदर के अगर फंक्शन की बात करें मशीन के अंदर, ये देखिए इसमें जो ऑयल आती है वो जूकी की स्पेशल ऑयल आती है, उसको डिफ्रेक्स नंबर 1 ऑयल बोलते हैं और ये हाई और लो के बीच में होती है 600 ml। अगर ये पीली पड़ जाती है तो पीली पड़ने के बाद में ये ऑयल ख़राब हो जाती है, इसको चेंज करना होता है। ये ऑयल पंप है दोस्तों, इसमें ऑयल पंप से क्या है जितना भी ऑयल सप्लाई होती है पार्ट्सों के अंदर वो यहाँ से ही पंपिंग करके आगे जाती है। ये बॉबिन हो गया और बॉबिन केस इसके अंदर लगा, ये शटल है, शटल के अंदर या हुक सेट के अंदर बॉबिन केस लगाया जाता है जो कि धागे को सप्लाई करेगा ऊपर। अगला इसके अंदर जो पार्ट है दोस्तों वो इस प्रकार से है, जैसे ये थ्रोट प्लेट हो गया, ये फीड डॉग है। फीड डॉग का काम भी ऐसा होता है, कपड़े को मतलब आगे खींचने का काम होता है, जैसे कपड़े आगे करेगा तो ये मतलब आगे खींचेगा। अब इसमें अगला ये स्विच बोर्ड हो गया, स्विच बोर्ड का ये मतलब मशीन है, उसमें सप्लाई मेंटेन करने के लिए ऑन ऑफ का यूज करेंगे, जैसे ऑन करेंगे तो मशीन ऑन हो गया और इसको ऑफ करेंगे तो मशीन मतलब ऑफ हो गया। अगला इसके अंदर और भी पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, इसको मतलब बोबिन वाइंडर व्हील बोलेंगे, बोबिन को वाइंडिंग करने के लिए बोबिन भरने के लिए इसमें यूज करेंगे और ये प्रेशर आर्म की सहायता से प्रेशर करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बोबिन जो व्हील है वो बेल्ट के टच करेगा और मतलब ये राउंड करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो जैसे ये घूमेगा तो इसके अंदर मतलब धागा ऑटोमेटिक भरा जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो पार्ट्स है उसके बारे में आपको बता दिया। इधर एक और पार्ट्स ये देखो, ऑयल इंडिकेटर है, जब मशीन चलती है तो ऑयल ऊपर आती है इसके अंदर, तो अगर मान लीजिए ज़्यादा लिक्विड है तो इसका मतलब अच्छी ऑयल है, ठीक ऑयल है, कंडीशन ठीक है। अगर मान लीजिए मतलब गाड़ी है ज़्यादा मतलब चारों तरफ फैल के नहीं आ रही तो ऑयल ख़राब हो चुके, ये संकेत करते हैं। दूसरा ये मशीन की पुली है, इसका जो डायमीटर है वो 90 mm होता है और ये मशीन पुली कवर होता है। इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, मोटर भी दो प्रकार की होती है, सर्वो मोटर, क्लच मोटर। इसके अंदर सर्वो मोटर लगी हुई है दोस्तों। अब मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपका मैंने काफ़ी इसमें बताया, अगर इसमें कोई दिक्कत हो, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो या फिर और एक्स्ट्रा वीडियो इसी में जान आपको चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट्स में आप कमेंट्स करिए।